खबर सहरसा से है, जहां सदर थाना पुलिस ने हथियार के बल पर राह चलते राहगीरों से लूटपाट व छीनताई की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो सातिर बदमाशों को लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए प्रभारी थाना अध्यक्ष ब्रजेश चौहान ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक सवार दो अपराधी शहर के बस स्टैंड से हथियार लेकर निकला है और कहीं किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। प्राप्त सूचना के आलोक में सदर थाना में पदस्थापित SI विक्की रविदास को पुलिस बल के साथ भेजा गया। बस स्टैंड गेट के समीप पुलिस की गाड़ी आता देख उक्त बाइक सवार बदमाश गाड़ी घुमाकर भागने लगा, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा खदेड़ कर पकड़ा गया। गिरफ्तार दोनों की पहचान राजा कुमार मल्लिक और रणबीर मल्लिक के रूप में हुई है। पुलिस ने तलाशी के क्रम में दोनों के पास से एक देशी कट्टा एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वहीं एक मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों अपराधी मूलतः हथियार के बल पर राहगीरों से लूटपाट व छीनताई की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरफ्तार दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। संवाददाता रितेश कुमार की रिपोर्ट, BNP न्यूज सहरसा। प्रातः कोचिंग गश्ती में पुलिस अवर निरीक्षक विक्की रविदास दरबल के साथ स्थान किए थे। गश्ती के क्रम में समय करीब 8:30 बस स्टैंड सहरसा के पास जब ये लोग पहुँचे तो सामने से एक मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति सवार आ रहे थे, जो पुलिस को देख के बाइक घुमा के भागने का प्रयास किए, जिसे दरबल के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़ करके दोनों का जब जमा तलाशी लिया गया तो राजा कुमार मलिक के पास से कमर में फंसा हुआ एक देसी कट्टा, लोडेड देसी कट्टा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद। ये दोनों एक राजा कुमार मलिक जो है वो सहरसा बस स्टैंड का ही रहने वाला है, वार्ड नंबर 20 का, और उसका एक साला जो है वो बेलदौर थाना खगड़िया जिला का रहने वाला है, जिसका नाम रणवीर कुमार मलिक है। बाइक रणवीर कुमार मलिक चला रहा था और पीछे रजत कुमार बैठा हुआ था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद देसी कट्टा, गोली और मोटरसाइकिल को जब्त करके लाया गया है, कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ के क्रम में ये बताया है कि ये लोग मोबाइल वगैरह छीन छोड़ राजीवों से मौका देख के किया करते थे और उसी उद्देश्य के लिए ये हथियार पास में रखे हुए थे, जो रस्ते के द्वारा पकड़े। इनका आपराधिक इतिहास तो कुल्लू का इस थाने में नहीं है और थानों से पता लगाया जा रहा है। पता लगने पर जो है न्यायालय में भेजा जाता है।